चुनावी साल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच जाकर उनसे सीधा फीडबैक ले रहे हैं। वहीं दुर्ग संभाग में युवाओं से भेंट मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में COE यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना की जाएगी। 15 करोड़ की लागत से इसे तैयार किया जाएगा। यहाँ 10,000 वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान और लैब उपलब्ध होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेंगलोर GST प्राधिकरण द्वारा छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए 12% GST लगाने के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस निर्णय को वापस लेने का भारत सरकार से अनुरोध करने की बात कही है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 12% GST राशि का भार छत्तीसगढ़ सरकार वहन करेगी। स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर इंटरप्रिनेशन COE स्थापित किया जाएगा। इसमें लगभग 15 करोड़ की राशि होगी और 10,000 वर्ग फीट में स्टार्टअप इकाइयों के लिए स्थान एवं लैब उपलब्ध होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा, बेंगलोर जीएसटी प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया कि हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को हॉस्टल के किराए की राशि में 12% GST, बच्चों को जो हॉस्टल के लिए 12% GST है उसका रिइंबर्समेंट राज्य सरकार करेगी, छत्तीसगढ़ सरकार, ये मैं घोषणा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि युवाओं के खेल कूद के लिए दुर्ग में एक बढ़िया दुर्ग भिलाई में बढ़िया से राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे ताकि बच्चों को चाहे दुर्ग को भिलाई को वैशाली नगर वैशाली कहीं भी हो लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो, ऐसे जगह चिन्हित करके एक सरसुदा युक्त इंडोर स्टेडियम निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। ठीक है।